फरुखाबाद में जमीन के पुराने विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं समेत 10 लोगों को पीटकर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर कमालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के गोपालपुर में गांव के दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद में झगड़ा शुरू हो गया। गांव के हेमंत, पवन, रेणु समेत दूसरे पक्ष के नरेंद्र, सुरेंद्र, कल्पना और आकांक्षा समेत अन्य लोगों के बीच गाली गलौज के साथ मारपीट होने लगी। इस हमले में दोनों पक्षों के करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। कमालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लहूलुहान हालत में घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया। वहीं दोनों पक्षों के लोगों की तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बंटवारा जमीन थी तो आप पीछे जगह हमें मिली, उन्हें दी जाके रास्ता नहीं आप गम और रास्ता बाद भाई रास्ता छोड़ने के बाद रास्ता बाद उन्हें जबरन कब्जा में कर ली। जो आज मारपीट हुई उसमें दो लड़की घायल हैं और एक बहन है हमारी। बहन है तो किसने मारा उन्हें? उन्हीं लोगों ने मारा। कितने उसको मारपीट करने वाले थे? ये 7-8 लोग हैं। तो दौड़ा पीट दिया क्या? अरे बहुत मारो साहब, उन्हें को तो पहले मारो, बहुत जानवर की तरह लाठी चलाई ना उनके ऊपर। किन के ऊपर? बहन के ऊपर मारी। जानवर की तरह लाठी चलाई है? तो कितने लोग तो मारपीट कर रहे तुम्हारे बहन के साथ में? अरे भाई लोग थे 7-8 लोग, पूरा घर ने मारा है। और कुछ लूट मार करिए? लूट मार का साहब कुंडल और लर खींच ले साहब। किसकी? बहन की जो थी, एक शादी हुई ना आकांक्षा, उसकी इधर लूट ली है। भाग गए क्या? भाग गए का साहब, चले गए। इससे पहले भी मारपीट कर चुके हैं? मारपीट तो 3-4 बजे नहीं, घेरे ही रहते हैं उधर रास्ता था, जब निकले तभी मारते साहब। तो क्या दबंग है क्या? दबंग का साहब एक फौजी मिल गया उनको, तो वो उधर जाकर जैसे मारो हम सब ने बैठ लिया है। ये अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के आसपास ये कमालगंज के गोपालपुर गांव पे ये 7 लोग आए और 3 दूसरी पार्टी के, 7-10 लोग हो गए। तो ये पुलिस के द्वारा थाने के द्वारा लाए। क्या गंभीर अवस्था है कितनों की? इसमें एक के हाथ में चोट काफ़ी लगी है और सर में भी चोट लगी, उसी को अभी उसका मुआयना करके और उसको रिफर कर रहे हैं। रिफर कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा गंभीर है क्या? नहीं, गंभीर है सब उसका। आज थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर के दो पक्षों में, जिसमें प्रथम पक्ष के हेमंत, पवन, रेणु इत्यादि और दूसरे पक्ष के नरेंद्र, सुरेंद्र, कल्पना, आकांक्षा, इन लोगों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद था। इन्होंने दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। इनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और दोनों पक्षों से 9 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ शेष विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।